आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज, एक नजर हर खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज। आज दिनांक 16 नवंबर 2018 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार की ओर से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। उद्घाटन जिला पदाधिकारी अररिया श्री हिमांशु शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। विशिष्ट अतिथि थे अनुमंडल पदाधिकारी प्रशांत कुमार आईएएस, संजय कुमार डीपीओ आईसीडीएस, शंभू कुमार जिला आपदा प्रबंधक पदाधिकारी, मिथिलेश कुमार सिंह जिला कल्याण पदाधिकारी अररिया, संयोजक थे डीपीआरओ जनसंपर्क दिलीप कुमार, मंच उद्घोषक हरुण रशीद काफिल। सेमिनार का विषय था जर्नलिज्म एथनिक एंड चैलेंजेस इन डिजिटल एरा, डिजिटल युग में पत्रकारिता चार नीति और चुनौतियां। वक्ता परवेश आलम, प्रभात खबर, एलपी नायक, टाइम्स ऑफ इंडिया, अंडराक्षरी, अपना अररिया न्यूज, अब्दुल गनी लबीब, इनकलाब उर्दू, वैद्यनाथ विद्रोही, नेशनल रिपब्लिक न्यूज, पंकज रंजीत, सहारा टीवी, धन्यवाद ज्ञापन शंभु कुमार, डायरेक्टर डीआरडीए। जो सभी सीनियर कॉरेस्पोंडेंट्स का पत्रकारों का मार्गदर्शन रहना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसमें अनुभव कुछ हद तक सफल हुए हैं। और सभी लोग पढ़ाई के पास रहे हैं कि इतना अच्छा बहुत ही गंभीरता के साथ इस विषय पर चर्चा की। कई सारे डिस्कस हुए हैं, कई सारी बातें, कुछ लोकल प्रॉब्लम्स भी पत्रकार बंधुओं ने अपनी रेज की है या इशारों में हम लोग के सामने रखने का प्रयास किया है, एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग को लेकर हो या किसी प्रकार के दबाव को लेकर हो, तो मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि मेरा और मेरी पूरी टीम का इन जनरल, मतलब मैंने कभी भी एक तरीके से भी ये सुझाव या ये इशारा दिया कि पत्रकारों के साथ या किसी बात को लेकर के हम लोग कोई दबाव बनाए, और मेरे ख्याल ये मैसेज मैंने कभी नहीं दिया है, न देने का प्रयास भी किया है कि कोई ऐसा दबाव बने कि खबर को इस तरीके से ना लिखकर इस तरीके से लिखा जाए। मेरा अपना एक प्रिंसिपल ये एक सोच है, मैं मान के चलता हूँ कि लोकतंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट अगर किसी की भूमिका है, बिल्कुल एक जो हमारे साथी हैं अंदाज में इस बात को उठा रहे थे कि जो तीन स्तंभ हैं या जो तीन उसके जो एजेंसी हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, उनको तमाम सुविधाएं मिलती हैं, तमाम उनको जो है उनके उनके चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, वो किसी प्रकार का खर्च ना हो, और वो सिस्टम को गवर्न करते हैं, रन करते हैं, डिफरेंट तरीके से उसमें देते हैं, पालन करते हैं। आपका जो रोल है, जो फंडामेंटल राइट्स में आपको जो सुरक्षा दी गई है आर्टिकल 19 के तहत संविधान में, और ये इंश्योर किया गया है कि किसी प्रकार का रेगुलेशन गवर्नमेंट मशीनरी की तरफ से ना हो, तो वो मेरा अपना भी ये मानना है कि पत्रकारिता पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जो हमारे पत्रकार हैं वो जो लिखना है वो लिखे, और आपके लिए अपना एक कमीशन, आपकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो आपको गाइड करती है कि आपको किन एथिक्स के साथ पत्रकारिता करनी। मेरा मानना है कि कमीशन जैसे बहुत खतरा की बात हो रहा है, थिंकिंग हो रही है, और जो कई बार इस तरीके की परिचर्चाओं में मैंने बातें भी रखी है, कमीशन इलेक्शन कमीशन का एक ये सुझाव आता रहता है बार बार कि जो पर्टिकुलर कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, तो अगर उसको कुछ वोट्स मिलती है एक परसेंटेज वोट्स के बेसिस पर डिसाइड हो जाए। मेरा अपना मानना है पत्रकारिता को अगर हम लोगों को सही मायने में इंडिपेंडेंट रखना है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी की पावर, हम लोगों को एक ऐसी व्यवस्था इस देश में बनाई जा सकती है जिसमें एक पर्टिकुलर अगर आपका सर्कुलेशन है, पर्टिकुलर अगर आप एक ऑडियंस को कवर कर पा रहे हैं, तो आपका एक स्पेसिफिक फंडिंग डिसाइड की जा सकती है, और वो इररेस्पेक्टिव कोई पर्टिकुलर कमीशन उसको बेस्ट कमीशन उसको गवर्न कर सकता है कि वो हर पेपर को मिलेगी या हर मीडिया उसको मिलेगी, तभी मुझे लगता है कि हम लोग डिफरेंट बिजनेस हाउसेज से या पॉलिटिकल हाउसेज से पार्टी से मीडिया को उसके बाहर ला सकते हैं। अभी हाल में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंटली जो पत्रकार लिखते हैं या बात करते हैं उनको कुछ रैत झेलना पड़ा, ऐसे कुछ हाल में हम लोगों ने बाकी देखे हैं कि उनको रातों रात उस एस्टेब्लिशमेंट से एस्टेब्लिशमेंट से बाहर जाना पड़ा है। लेकिन जब आज के युग में हम लोग बात करते हैं डिजिटल युग में, तो ये भी देखते हैं उनके पास अभी भी ऐसा नहीं है उनकी दबा आवाज को पूरी तरह दबा दिया गया। हमारे पास डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, लोग बोल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं,
हम लोग देखते हैं, ब्लॉग्स लिख रहे हैं, अपनी वीडियो शेयर कर रहे हैं, पूरा थॉरो वेयर एनालिसिस कर रहे हैं न्यूज़ का, खबरों का, एस्टेब्लिशमेंट इन पावर के अगेंस्ट की वो बातों को रख पा रहे हैं। तो डिजिटल में हम लोग को प्लेटफॉर्म तो अभी भी दिया हुआ है। ICU में पत्रकारिता बिल्कुल नहीं। ये जरूर हो सकता है कि एक हम लोग अगर फंडिंग का एक आइटम को इंश्योर कर लें और वो इरेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट कंसिडरेशन हो, तो मुझे लगता है कि एक इंडिपेंडेंट जो रिपोर्टर हैं, जो ग्राउंड लेवल पे लोग रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, अपनी बातों को सही ढंग से बिना किसी दबाव के अखबारों के माध्यम से, मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया, उसके माध्यम से रख सकते हैं, शायद ऐसा संभव हो सकता है। अभी बहुत सारा दबाव आप लोगों के ऊपर, हमारा कोई दबाव नहीं है, दबाव आपका अपने उसके कारण है, या अपनी बहुत सारी बातें आई है उस एजेंसी को वो रन करना है, अखबार रन करना है, मीडिया हाउस को अपना जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो है वो रन करना है, तो उसमें तमाम चीज़ें शायद पढ़ने पहले में अगर डिसाइड हो तो टेक केयर कर सकते। लेकिन साथ ही साथ दूसरी जो बातें मेरे पूर्व के वक्ताओं के बाद द्वारा भी कही गई, मेरा अपना मानना है कोई भी व्यक्ति अगर वो काम कर रहा है, जैसे मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा हूँ, कुछ लोग पॉलिटिकल उसमें काम कर रहे हैं, आप लोग आए ना दिखा रहे हैं, पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं, दो तीन चीजें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों को अपनी कॉल लेनी है, देख कोई नहीं रहा है ना किसी को फुर्सत है बहुत देखने का। अगर हम लोग न्यूज पेपर में पढ़ भी रहे हैं और या मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, दिन भर बारिंग हो रही है, कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बहुत फोर्स उसके ऊपर नहीं दे रहा है, पासिंग न्यूज पढ़ रहे हैं, देखा आगे बढ़े, दूसरा न्यूज खोल दिया, तीसरा न्यूज खोल दिया, चली रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत उस पर चार्ज कर रहा है। मेरा अपना मानना है दो तीन चीज़ें बड़ी बोल रही, ट्रुथ, जस्टिस, प्रिंसिपल्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रहा है, सच्चाई पे जाए, न्याय पे जाए और सिद्धांतों पे काम करे, समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो तभी तो कुछ पत्रकारों का नाम हुआ है। अगर आप ये देख लेंगे कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट के पेपर, आज बिल्कुल प्रशांत ने एकदम बिल्कुल सही बात कही है कि हम लोग पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देख रहे हैं, कोई न्यूज चैनल है देखना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो पूरा का पूरा बायस है। कोई न्यूज चैनल है वो बिल्कुल दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरे थॉट्स को लेकर बायस है। सच्चाई जो एक होता है अल्टीमेट ट्रुथ वर्ड होता है, वो तो बड़ा मुश्किल है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि अंतिम सत्य क्या है या जो सही सत्य क्या है उस तक पहुंच जाए अभी तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक जो जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग लगे, वो लगे कि भाई जो है आपने दोनों पक्ष रख दिए हैं, या आपने फिजूल की बातों पर पत्रकारिता को आधारित नहीं कर दिया। बहुत सारे न्यूज चैनल थे आजकल, आई थिंक 24 आवर्स में 12-14 घंटे पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस हो रहा है, कहाँ उनके बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, कहाँ जो है सेंसेक्स जो है सियासत का कहाँ पहुँचेगा भगवान जानता है। एक एक महीना तक अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि आज एक एक घंटे के प्रोग्राम्स में देख रहा था कि एक एक घंटे ये पता बताया जाता है कि ये पार्टी का जो है सीट इतना आ रहा है और वो रोज बदल रहा है, और उस एक घंटे के चैनल को कौन देख रहा है और किसको इतना फुर्सत है, क्या ओपिनियन हम लोग बना रहे हैं। पत्रकारिता के जो सिद्धांत है वो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि समस्याएं, तकलीफें, बहुत लोग परेशानियां, वो सब झेलना पड़ता है, हर किसी को झेलना पड़ रहा है। वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, आप आपको यह देखना है कि मैं अपने सिद्धांतों को लेकर के मैं समझौता नहीं, समझौता कर रहे हैं तो सामान्य पत्रकार तो बहुत हैं और दुनिया है, लाइन लगी हुई है। बिल्कुल विद्रोही जी कह रहे थे कि बिल्कुल लाइन लेके लोग खड़े हो गए कि हम लोग तो आई कार्ड दे दीजिए जो आपके पास है, हम लोग भी उसको शेयर कर देंगे, जो भी हम लोग हल कर ले रहे हैं किसी भी तरीके से। तो मेरा अपना मानना है कि आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने राइटिंग्स में पा रहे हैं। जिले में मैंने भरसक प्रयास किया है कि किसी प्रकार का दबाव, मतलब मैं उस माइंड सेट का हूँ ही नहीं कि मेरी न्यूज छपे, मैं उस माइंड सेट का नहीं हूँ मेरा फोटो रोज छपे या मेरे अधिकारियों का छपे या कोई न्यूज का हूँ। बहुत अच्छा किया आपको, अच्छा नहीं लगा बिल्कुल मत छापिए, हमको लगा कि हमने अच्छा किया आपको नहीं अच्छा बिल्कुल मत छापिए। आप एकदम कड़ाई से
अपनी बातों को जो आप चाहते हैं समझते हैं कि ये गलत हो रहा है बिल्कुल लिखे और कड़ाई से लिखे। मैं समझता हूँ कोई आज तक किसी पत्रकार के खिलाफ मैंने कोई वैमनस्य रखा उस बात को लेकर के कि भाई उन्हें मेरे बारे में या किसी मेरे अधिकारियों के बारे में हमारे किसी सिस्टम के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है। मैं उसको बिल्कुल सहज स्वीकार करता हूँ कि आप जो लिखते हैं बिल्कुल आपने सोच समझ के लिखा होगा, आपने उस पर एनालिसिस किया होगा, आपने जरूर वो ठीक बात की जो भी मान के चलो। लेकिन मैं जरूर एक बात आपको कहना चाहूँगा और ये बिल्कुल डिजिटल मीडिया में जब हम लोग एथिक्स पर बात कर रहे हैं, ये जो फटाफट न्यूज वाला सिस्टम हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज वाला सेंसेशन जो चला है आज के समय में, उसमें ये जरूर हुआ है कि कहीं ना कहीं रिसर्च या एनालिसिस जो पत्रकारों का होता था और जो आज भी प्रिंट मीडिया में बहुत होता है, अगर आप डिबेट्स और वो डिबेट झगड़ा वाला डिबेट्स नहीं देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी होता है स्क्रोल का देखेंगे तो उसमें एक सटल वे में दिखाया गया है कि बहुत सारे क्रांतिकारी 1975 में मीडिया के वजह संबोधित किया जाता है। इसी के महत्व का इससे इसके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। मीडिया की भूमिका संवाद वाहन की समाज में मीडिया की भूमिका संवाद वाहन की होती है। मीडिया समाज के विभिन्न वर्गों सत्ता केंद्रों व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच में पुल का काम करता है। आधुनिक युग में मीडिया का समान अर्थ समाचार पत्रों पत्रिकाओं टेलीविजन रेडियो इंटरनेट आदि से किया जाता है। किसी देश की उन्नति और प्रगति में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वागत किया जाए, मैं आज के समारोह के मुख्य संयोजक ADPRO श्री दिलीप सरकार जी से आग्रह करूँगा कि आज के इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिवस पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब हम आग्रह करेंगे कि श्री प्रशांत जी मौजूद हैं, उनका जनसंपर्क विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत किया जाए। क्योंकि हम सबों के हाथ में कैमरे हैं, मोबाइल हैं, इसलिए ज़्यादा तालियां नहीं बज रही हैं, सारी तस्वीरें ली जा रही हैं। अब हम आग्रह करेंगे कि हमारे बीच DRDA के डायरेक्टर श्री शंभू कुमार जी बैठे हैं, उनका हार्दिक स्वागत किया जाए। हमारे बीच बैठे हैं श्री संजय कुमार जी, परियोजना मार्ता DPO ICDS प्रभारी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करें। अब हम आग्रह करेंगे कि जिला कल्याण पदाधिकारी अररिया श्री मिथिलेश कुमार सिंह जी यहाँ बैठे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज़, एक नज़र हर खबर।